दोस्तों, आपने कूटनीति के बारे में तो जरूर सुना होगा। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि कूटनीति क्या होती है, वो उसे सीखने के बाद किस तरह अपने कार्य का निर्माण कर सकते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में कूटनीति के कुछ फैक्ट से वाकिफ कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कूटनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप विरोधी पक्ष से अपनी बात मनवा सकते हो व कोई भी योजना उनके सामने वाले के सामने उसे मनवाने की ताकत रखते हो। जैसे राजनीति में अक्सर कूटनीति का सहारा लिया जाता है, वह अपनी सूझबूझ से अपनी योजनाओं का निर्माण करती हैं। ऐसे ही आपने कभी चाणक्य के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिन्हें भारत की राजनीति में कूटनीति के गुरु के रूप में खूब प्रसिद्धि मिली। यही नहीं, उन्हें कूटनीति के पिता के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए चाणक्य का नाम कौटिल्य भी है। भारत के कूटनीति जनक चाणक्य के रूप में चार सिद्धांत प्रतिपादन किया जाता है, साम, दाम, दंड, भेद। कूटनीति एक ऐसा रास्ता है जिसके चलते कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी योजना को अंजाम दे सकता है। कूटनीति का उद्देश्य क्या होता है? कूटनीति एक ऐसी नीति है जिसे अपनाने से आप कोई कार्य आसानी से कर सकते हो, चाहे वो आपके हित के लिए हो या आपके देश, समाज व राज्य के हित में। कूटनीति करने का उद्देश्य ही सामने वाले की चाल को समझकर अपनी नीति को लागू करना होता है। उसी के आधार पर आप अपने कार्य की पूर्ति के लिए निर्णय ले पाते हैं। कूटनीति कैसे सीखी जाए? दोस्तों, आपने सुना होगा, अगर नीति की बात करें तो चाणक्य नीति इसमें सबसे अधिक पहचानी जाती है। और आपने कई बार सुना होगा कि चाणक्य की नीति आज भी बहुत ही उपयोगी है और आपके कई कार्य क्षेत्र में सफल भूमिका निभाती है। ठीक इसी तरह से आपको अपने जीवन में चाणक्य नीति का पालन करना होता है, ताकि आप भी अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ सके और देश विदेश की कार्य प्रणाली के तहत अपने देश व राज्य के लिए सही समय पर निर्णय ले सके। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप कूटनीति को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अनुशासन में रहें और अपना काम करते रहें। दोस्तों, आपको पता होगा कि अपना कोई भी काम करने के लिए हमें अनुशासन में रहने की आवश्यकता होती है, और इसलिए आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और नीतियों को लागू करने के लिए अनुशासन में रहना होगा, ताकि आप अपने सभी कार्य समय व पूरे नियम के साथ समाप्त कर सको। समझदार ही आपकी नीति है। कूटनीति एक ऐसा पैतरा है जिसमें आपको हर तरफ से सक्षम होना पड़ता है। यदि आप किसी भी कार्य की योजना कर रही हैं, तो आपको सामने वाले की योजना को पहले उसके मन से निकलवाना होगा, उसके बाद उसकी योजना को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएं। आपको अपनी समझ से योजनाओं को बखूबी तैयार करना होगा। सामने वाले दल को भयभीत करना भी आवश्यक है। जब भी आप किसी भी विषय पर अपनी कूटनीति को प्रदर्शित करना चाहें, तो थोड़ा रुक जाएं। आपके मन में क्या चल रहा या क्या निर्णय लेने जा रही हो, इसका पता सामने वाले दल को पता नहीं लग चलना चाहिए। कोशिश करें कि आप संयम से काम लें, सामने वाले पार्टी को अपने फैसले से थोड़ा भयभीत करें, वो आसानी से किसी के निर्णय से अपनी सहमति ना जताएं। एकजुट होकर मानसिकता को बदला जा सकता है। कूटनीति को प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत है अपनी मानसिकता को बदलना। ऐसे ही हमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कार्य की रणनीति को समझने और समझाने के लिए एकजुट होकर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जिसके चलते आने वाले भविष्य में एक उच्चतम व्यवस्था कायम की जा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आपको एक बात खास तौर पर समझ आई होगी कि अपनी बात मनवाने के लिए हमें कई बार किसी झगड़े की या युद्ध की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अपनी आपसी समझदारी और शब्द से हम कूटनीति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कूटनीति ही प्रेजेंट टाइम का ताकतवर हथियार है, जिसके द्वारा हम अपने बहुत से संबंधों को अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और अपडेट और वीडियो हम इस चैनल पर लगातार डालते रहते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।